हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं हूं आकाश पांडे और आप देख रहे हैं यूनिक सिविल यानी मेक योर सेल्फ यूनिक। दोस्तों आप सब देख रहे हैं, हर कोई इस समय जॉबलेस हो चुका है। मीन्स जो कुछ भी लोग कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग क्या कर रहे हैं, जॉबलेस हो चुके हैं। जो साइट इंजीनियर थे उनको कई कॉन्ट्रैक्टर ने बोल दिया आप अपने घर जाओ, जब काम होगा तो हम आपको बुलाएंगे। और कई कॉन्ट्रैक्टर तो ऐसा कर रहे हैं कि आपको सैलरी भी आगे पीछे पता नहीं, वो देंगे कि नहीं देंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस तरीके की कंडीशन में आपको ये समझ के रखना पड़ेगा कि जैसे ही ये COVID-19 ख़त्म होता है, यानी कोरोना का ये कहर ख़त्म होता है, वैसे ही आपके पास ओपनिंग्स तो आएंगी, बट ओपनिंग के साथ कंपटीशन बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो कंपटीशन ज़्यादा आने वाला है तो उसके लिए क्या कर सकते हो आप कि आपका कंपटीशन थोड़ा सा अलग हो जाए। आप सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हो, अपने अंदर टेक्निकल स्किल्स ऐड कर सकते हो। टेक्निकल स्किल्स कैसे ऐड कर सकते हो, बहुत आसान है। आज के टाइम में यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिलता है। आप यहाँ से कोई भी एक स्किल्स को फोकस करिए कि मुझे इस स्किल में अच्छा बनना है, उस स्किल्स पे आप अच्छे तरीके से स्टडी करिए। होगा क्या, आप जैसे उस पर अच्छी प्रिपरेशन कर लेंगे और इंटरव्यू में जाएंगे, कई लोग वहाँ पे ऐसे आए रहेंगे जिनकी तैयारी नहीं हुई रहेगी, या जिन्होंने कोरोना के टाइम पे ऐसा सोचा होगा, दिन भर कोरोना के बारे में टाइम लॉस किया होगा कि अरे कोरोना उसको पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया, छोड़ो यार जिसको पकड़ा है। हम अपने आप को स्ट्रांग बनाए और स्ट्रांग बना के अपने जॉब के लिए फोकस करें, अपने टेक्निकल स्किल्स को अच्छा करें। टेक्निकल स्किल्स अगर अच्छा करेंगे तो डेफिनेटली किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, आपका इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। उसके साथ एक काम और कर लीजिए, मैं जो अब तक रियलाइज कर पाया हूँ, सिविल इंजीनियर का जो लैंग्वेज रहता है कम्युनिकेशन, वो बहुत ही ज़्यादा वाला रहता है। तो अगर हम अपने बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पे काम कर लेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा अलग हो जाएंगे, क्योंकि हम साइड पे काम करते करते कैसे हो जाती है, हमारी लैंग्वेज ही बदल जाती है, लैंग्वेज हमारी साइड वाली होने लगती है, और जो कि खतरनाक होती है हमारे कैरियर की। अगर हम एमएनसी में जाना चाहते हैं, अगर डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, वहाँ प्रोफेशनल लोग हैं, दे वॉन्ट द पर्सन हु इज़ वेरी प्रोफेशनल इन देयर वर्क्स। तो प्रोफेशनल बनने के लिए प्रोफेशनल लैंग्वेज की भी जरूरत पड़ती है। सो प्लीज़ लैंग्वेज पे भी काम करो। अगर ये सब करते हो तो आप जैसे ही रिक्वायरमेंट्स आती है, अटैक तो करना ही करना है आपको, क्योंकि ढेर सारे जगहों पे आपको अप्लाई करना है। मैं तो बोलूँगा आप अभी से अप्लाई करके रखो, जैसे कि ओपनिंग होती है तुरंत ओपनिंग यहाँ पे खुलेगी, आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आप सब अगर किसी स्किल्स में कुछ सीख रहे हैं और कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं खुद भी कई बच्चों को ट्रेंड कर रहा हूँ इस कोरोना में, और आपको भी करूँगा अगर आप चाहोगे तो। अगर आपको कोई भी चीज़ों की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बिना मन के अगर कोई काम करोगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा यार। तो अगर मन से करोगे तो आपकी स्किल्स भी अच्छी होगी। और अगर आप बोलते हो कि मुझे ऑटो कैड आता है और आपने रिज्यूमे में ऐड किया है, इसका मतलब आपको ऑटो कैड 100% आना चाहिए। अगर आपने स्टैट प्रो यहाँ पे मेंशन किया है तो आपको स्टैट प्रो 100% आना चाहिए। जो भी चीज़ सीख रहे हो उसको 100% करो, और 100% करने के बाद यार कोई क्यों नहीं सेलेक्ट करेगा। अगर एक ओपनिंग होगी तो वो आपकी होगी। सो प्लीज़ मेहनत करते रहो, कोरोना में आप पूरी छुट्टी मत मनाओ, आप अपने स्किल्स को स्ट्रांग करो। स्किल्स को स्ट्रांग करने के बाद देखना, अगर आप इस 21 दिन में जो भी छुट्टियां मिल रही हैं, अगर आप इसमें अच्छे से काम किए रहोगे तो नेक्स्ट जॉब आपकी होगी, और अगर अच्छे से काम नहीं किए रहोगे तो नेक्स्ट जॉब आपके हाथ से चली जाएगी। ये दोनों आपके हाथ में है, डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, आपको जॉब लेना है या नहीं लेना है, ये 21 दिन आपको डिसाइड करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पे ज़्यादा जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, अपने जो भी भाई बहन होंगे जो सिविल इंजीनियर होंगे उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना। और अच्छा लगे तो कमेंट करके बताना कि सर नेक्स्ट टॉपिक आप किस बारे में जानना चाहते हो। डेफिनेटली हम लोग कोशिश करेंगे उस टॉपिक के बारे में बनाने में। जय हिंद, जय भारत।